दोस्तों आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से कुरकुरा चटपटा टेस्टी नाश्ता, जिसमें आपको आलू पकौड़ी, आलू कचौड़ी, आलू समोसे का टेस्ट आएगा। इसे आप बिना झंझट के 5 मिनट के बना के तैयार कर सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें। चलिए फिर देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इस नाश्ते के लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पे लेंगे बाउल, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी। सूजी यहाँ पे बारीक इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास सूजी मोटी है तो मिक्सी ग्लास में डाल के एक बार चला ले। सूजी से नाश्ता क्रिस्पी बनेगा। आप चाहें तो इस नाश्ते को बिना सूजी के भी बना सकते हैं। इसमें डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इनको एक बार चला दें। आप यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अजवाइन को नहीं डाला है। अजवाइन यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपको पसंद है तो इसका टेस्ट आप डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इन सबको चला दिया है। अब इसमें डालते हैं पानी। पानी एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा ही डालेंगे और अब इसको मिक्स करते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगा लेंगे। आटा ना ही ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। डो यहाँ पे लग गया है और देखिए जिस तरह से मैं दबा रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि डो ना ही ज्यादा टाइट है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट है। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब नाश्ते के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पे एक उबला हुआ आलू लेंगे। आलू को यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हाथ से मैश करके नहीं लेना, आलू के मोटे टुकड़े रहेंगे वो स्टफिंग में अच्छे नहीं लगते, इसलिए आलू को कद्दूकस करके ही लेना है। इसमें डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, यहाँ पे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटी हुई, इन सबको चला दें। आप इस तरह से स्टफिंग बनाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी मजेदार लगती है। आप चाहें तो स्टफिंग को फ्राई भी कर सकते हैं। इस नाश्ते को केवल 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं, इसलिए मैंने स्टफिंग को फ्राई नहीं करा है। आज हम इस नाश्ते को केवल 5 मिनट में बना के तैयार करेंगे। और देखिए बातें करते करते ये सारी चीजें भी अच्छे से मिक्स हो गई, तो हमारी स्टफिंग बनके हो गई तैयार। अब स्टफिंग को एक साइड रख देंगे। आटे को भी अच्छे से रेस्ट मिल गया। अब इसे 1 मिनट के लिए मसल लेते हैं। आटे को यहाँ पे चिकना कर लिया। अब आटे में से लोई बनाते हैं। जितनी बड़ी हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई बनानी है इसकी, इतनी बड़ी। इसको कर देंगे गोल और इसी तरह सारी लोई बना के तैयार कर लेते हैं। सारी लोइयों को बना के तैयार कर लिया है और 2 में से 3 लोई बनी है। अब इनमें से 1 लोई को ले लेते हैं, बाकी को एक साइड रख देंगे। लोई को चकली पे रखते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करते हैं। दोनों साइड डस्ट कर लेंगे आटे को और अब इसको बेलन से बेलते हैं। ये आराम से बेल जाएगा, इसे बेलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसे घुमाते हुए बेल लेंगे, बीच बीच में सूखा आटा डस्ट करते रहें और इसे ना ही ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ही ज्यादा बड़ा बेलेंगे। रोटी से थोड़ा बड़ा बेलेंगे, लेकिन क्योंकि रोटी से बड़ी हमने लोई ली है तो रोटी से बड़ा इसको बेल लेंगे। इसे बेल लिया है, इसको रोटी से बड़ा बेला है और देखिए इसको ना ही ज्यादा पतला बेला है और ना ही ज्यादा मोटा बेला है। इसके बीच में रखते हैं स्टफिंग। 2 से 3 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और स्टफिंग को पूरी रोटी पे फैला देते हैं। स्टफिंग को पूरी रोटी पे फैला दिया है। अब रोटी को एक साइड से उठाते हैं, आगे की तरफ को ला के इसे फोल्ड कर देते हैं और इसे टाइटली फोल्ड करेंगे, बीच में बिल्कुल भी स्पेस ना रहे। फिर आगे की तरफ करते हैं और फिर से इसे दबा देते हैं। फिर आगे की तरफ करते हैं और इसे फिर से दबा देते हैं। आगे की तरफ करते रहेंगे और दबाते रहेंगे। इसे यहाँ पे रोल कर दिया है और इसे एक बार इस तरह से रोल कर देते हैं जो लास्ट वाला पार्ट है वो चिपक जाए। इसे यहाँ पे रोल कर दिया है और देखिए लास्ट वाला पार्ट भी अच्छे से चिपक गया है। और अब इसको कट करते हैं, आधे आधे इंच पे इसको कट कर देंगे और देखिए कितने आराम से कट हो रहा है। इसे कट करने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही। इसको यहाँ पे कट कर दिया है और एक पार्ट को लेंगे इस तरह से थोड़ा सा फैलाएंगे हाथ से और इसे दबा देते हैं। इसको दे देंगे टिक्की की शेप, ये देखिए। इसी तरह हम सारे नाश्ते को थोड़ा सा फैलाएंगे हाथ से और इसे हाथ से दबा देते हैं, ये देखिए। इसी तरह सारे नाश्ते को बेल के स्टफिंग लगा के तैयार कर लेते हैं। सारे नाश्ते को यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब नाश्ते को एक साइड रखेंगे। यहाँ पर लेंगे बाउल, इसमें डालेंगे 1/2 कप गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच सफेद वाले तेल, 1 चम्मच कलौंजी। आपके पास सफेद वाले तेल कलौंजी हो तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, इन सबको एक बार चला दें। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आज इस नाश्ते को हेल्दी बनाना है इसलिए यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे इन सबको मिला दिया। अब इसमें डालते हैं पानी और इसको भी मिला दें। इसका यहाँ पे घोल बना लेंगे। घोल ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, जरूरत लगेगी तो हम पानी फिर से डाल लेंगे। इसका यहाँ पे घोल बना लिया है और देखिए घोल ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। और आप देख सकते हैं घोल किस तरह का है, घोल हमें इसी तरह का चाहिए। अब नाश्ते को आटे वाले घोल में डालते हैं और इसे चम्मच से घुमाते हुए चारों तरफ से कोट करेंगे। चारों तरफ से कोट होने के बाद इसे चम्मच से तिरछा करेंगे और इसे निकालने के बाद इस तरह से कढ़ाई में डालेंगे। अब नाश्ते को चम्मच से डाल देते हैं। आप चाहें तो नाश्ते को हाथ से भी डाल सकते हैं। एक बार में जितना नाश्ता आ जाए उतने को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे अभी आधे को ही डाला है और इसे 2 मिनट तक इसी तरह सेकने देंगे और इसकी गैस हाई रखें। हाई गैस पे हम इस नाश्ते को सेकेंगे।
ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी, क्योंकि हमने इस नाश्ते में गेहूं के आटे का इस्तेमाल करा है। गेहूं के आटे का नाश्ता है तो बहुत कम ऑयली होता है। 2 मिनट के बाद नाश्ते को पलट देते हैं और देखिए नाश्ते का थोड़ा कलर भी चेंज हो गया, तो सारे नाश्ते को पलट देते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करें। आप इस नाश्ते को बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर बर्थडे पार्टी या फिर किटी पार्टी में भी बना सकते हैं। ये नाश्ता बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, साथ में बड़ों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आप बड़ों को चाय के साथ भी दे सकते हैं गर्मा गर्म, और इसे उलटते पुलटते अच्छे से सेक लेंगे जब तक इस पर गोल्डन कलर ना आ जाए। नाश्ते का हो गया दोनों साइड से कलर चेंज, और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो अब नाश्ते को निकाल लेते हैं, देखिए नाश्ते कितना ज्यादा जबरदस्त मजेदार लग रहा है। बाकी नाश्ते को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। ये हमारा बहुत ज्यादा टेस्टी मजेदार सा नाश्ता बनकर के तैयार, और देखिए नाश्ता देखने में भी कितना ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। इस नाश्ते को सॉस के साथ सर्व करेंगे, आप नहीं तो खट्टी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और देखिए जब नाश्ता दिखने में भी इतना ज्यादा मजेदार लग रहा है तो खाने में कितना ज्यादा टेस्टी होगा। ये देखिए नाश्ता बहुत ज्यादा क्रिस्पी भी है, इसकी आवाज सुनी आपने, ये देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी है, एकदम मजेदार सा ये नाश्ता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप जब इसको खाओगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि नाश्ता कितना ज्यादा टेस्टी है, यमी है। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।